हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल lin.k फार्मा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कोविड के टाइम पे फ्री वैक्सीन सभी को लगवाई, क्योंकि ये इतनी बड़ी महामारी थी, इसको बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान किया है। ओके, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि एम्स भोपाल यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल में फार्मासिस्ट की परमानेंट जॉब्स निकली हुई हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स निकली हुई हैं। और जॉब कितनी है? 32 जॉब्स निकली हुई हैं, जिसका हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सारी जगह सारे एम्स में वैकेंसी निकल गई है, सिर्फ भोपाल की बची हुई है। तो भोपाल में भी अभी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और ये आज से स्टार्ट भी हो गया 27 तारीख से। ठीक है, चलिए जानते हैं कि डिटेल में कि क्या इसमें एज रखी गई है, कितनी सैलरी है और क्या इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। चलते हैं और देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सच में वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग सोच नहीं सकते कि मैं भी जॉब करता हूँ और रात में जाग जाग के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग मेरी मेहनत का थोड़ा सा तो ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स जो भी हैं सर्कल अपना, वहाँ पे भी ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वैकेंसीज के बारे में। ओके, सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी है। तो 32 वैकेंसीज निकली हुई हैं, इसमें 3 पोस्ट दी हुई हैं। नंबर 1 है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जिस जो लेवल 5 की जॉब है 7th पे के हिसाब से। ठीक है, इसमें अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में 11 वैकेंसी निकली हुई है, ओबीसी में 7 है, एससी में 4 है, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 3 है। टोटल हो गई है 27। ठीक है, इसमें पीडब्ल्यूबीडी की भी एक इंक्लूड है, सी में इंक्लूड है 27 में। ठीक है, इसके बाद जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के नाम से एक वैकेंसी निकली हुई है, ये लेवल 4 की जॉब है और इसके अंदर 3 अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है और 1 ओबीसी के अंदर है, यानी कि टोटल 4 वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे। इसके बाद एक जॉब है जो है फार्मासिस्ट यानी कि फार्मा केमिस्ट की जॉब है, ये भी लेवल 5 की जॉब है और ये सिर्फ 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 32 वैकेंसीज हैं निकली हुई हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि 3 पोस्ट हैं तो 3 पोस्ट में जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है उसमें क्या चाहिए है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए। ठीक है, ये किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हुआ हो, पीसीआई से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और फार्मासिस्ट होना चाहिए यानी कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है यानी कि किनको वरीयता दी जाएगी, एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफ्यूजन इन ए रिप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। एज लिमिट यहाँ पे कितनी है? एज लिमिट है यहाँ पे 27। ठीक है, 21 से लेके 27। ओके, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर लोगों के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट के हिसाब से। इसके बाद जो नंबर 2 पे पोस्ट है यानी कि डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की, यहाँ पे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी ही चाहिए है और ये भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज लिमिट इसकी भी सेम 21 से 27 ही है। ओके, अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है सिर्फ इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी दिया हुआ है तो बी फार्मा वाले दिक्कत करेगा इसमें। ओके, देन इसके बाद 3rd नंबर पे है फार्मा केमिस्ट की जॉब, जिसे केमिकल एग्जामिनर का भी पोस्ट दे सकते हैं, दोनों सेम ही है और इसमें भी डिप्लोमा इन फार्मेसी की रिक्वायरमेंट है और ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसमें जो डिजायरेबल क्राइटेरिया है वो दूसरा है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग और ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इन्हें इंडस्ट्री। एज लिमिट इसकी भी सेम है 21 से लेके 27। ओके, देन इसके बाद रिलैक्सेशन कितना है, एज रिलैक्सेशन। तो जैसा कि जनरली जानते ही हैं सब लोग कि
जनरल कैटेगरी को कुछ नहीं मिलता है ओके। और SC ST के लिए यहाँ पे क्या है, 5 साल का छूट दी गई है, रिलैक्स दिया गया है। OBC के लिए क्या है, 3 साल का दिया गया है। PWBD के लिए क्या है, 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ओके। इसी तरह से और भी रिलैक्सेशन है, जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है और डिफेंस पर्सनल है ओके। और इसमें OBC जनरल कई तरह की कैटेगरी, डिफेंस है और अगर जनरल का है तो 3 साल का है, अगर OBC का है तो 6 साल का है, SC का है तो 8 साल का है, विडो डाइवोर्स है तो अपर लिमिट इसमें कर दी है 35 तक कर दी गई है। और विडो डाइवोर्स अगर SC ST कैटेगरी का है तो 40 साल की एज लिमिट कर दी गई है ठीक है। एक्स सर्विस मैन है तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है ओके। तो इस तरह से बहुत सारा छूट दी गई है अपर एज लिमिट में ओके। देन इसके बाद एप्लीकेशन फीस, अब ये फ्री में नहीं हो रहा है एग्जाम, इसके लिए फीस भी देनी पड़ेगी। तो फीस कितनी है यहाँ पे, जैसे जनरल जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए ठीक है, जनरल OBC और EWS के लिए कितने मांग रहे हैं, ये मात्र 1200 रुपये मांग रहे हैं ओके। तो आधे लोग तो ऐसे ही छट जाएंगे, 1200 रुपये मांग रहे हैं ओके। इसके बाद SC ST ओ और PWBD कैटेगरी के अंदर जो लोग आएंगे उनसे सिर्फ 600 रुपये मांगे गए हैं। यहाँ पे फीमेल के लिए कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं है कि फीमेल के लिए कुछ रिलैक्सेशन है या नहीं है, तो जब नहीं लिखा है तो पूरा पूरा लगेगा। अगर जनरल में है तो 1200 लगेंगे और SC ST OBC में है तो 600 रुपये लगेंगे ओके। देन इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हाउ टू अप्लाई और क्या इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, को नो ऑफलाइन, और ऑनलाइन करना है और कहाँ पे करना है ये इसकी वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जाके आपको करना है। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करेंगे, वन बाय वन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओपनिंग डेट यानी कब से ये स्टार्ट हो रही है, तो ये 27 से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, 27 से स्टार्ट हो चुकी है और ये कब क्लोज होगी यानी कि 20/11 तक ये होगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रही है तो वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं ओके। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिंक क्या है, इम्पोर्टेंट लिंक ये है, यहाँ पे जाएंगे। चलिए मैं जल्द के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से फॉर्म भरना है ओके। ये हम लोग आ गए उसी इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है इनकी, ऑफिशियल वेबसाइट एम्स भोपाल की, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे कैरियर में, कैरियर में देखेंगे तो ये नंबर 2 पे दी हुई है, 175 ओके, 175 के ऊपर दी हुई है। यहाँ पे जाके देख सकते हैं ये डिटेल में एडवर्टाइजमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे तो डिटेल में एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा आपको। और इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके इस तरह से, अगर अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये निकल के सामने आ जाएगा ओके। तो यहाँ पे आपको भरना है फॉर्म ठीक है, ऑनलाइन भरा जाएगा ये फॉर्म। तो कैसे भरना है, तो जब ये खुल के आ जाएगा तो एप्लीकेंट का नाम, आपको अपना नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, एप्लीकेंट का सर नेम अगर कुछ है तो सर नेम यहाँ पे देना पड़ेगा ठीक है। जैसे किसी के अगर 3 नाम है तो 2 नाम आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे और 1 नाम जो सर नाम है, जैसे वर्मा शर्मा या दुबे या मिश्रा या यादव जो भी है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा ओके। फादर का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसमें श्रीमान श्रीमती मिस्टर मिसेस कुछ भी नहीं लगाना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में रखनी है, डेट मंथ ईयर, जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है, विडो डाइवोर्स है तो वो कर लेना है, और इसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी में है तो वो भी कर लेना है। प्रीफर्ड एग्जाम सेंटर आपको क्या रखना है, तो ये सेंटर इतने सारे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे कहीं से भी जाके कर सकते हैं, जैसे इस तरह से है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, इतने सारे दिए हुए हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी कुछ निकल के आएगा सामने, शायद नहीं आया ठीक है। तो ये है एग्जाम सेंटर जैसे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ बताएंगे आगे चल के क्या होगा। तो यहाँ पे करने के बाद जब इस पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके डॉक्यूमेंट के लिए आएगा कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोग अपने सबमिट करें, उसके बाद फिर पेमेंट के लिए आएगा, देन फाइनल सबमिट होगा। तो इस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें इसको जल्दी से जल्दी भरने की, और ये परमानेंट जॉब है, डायरेक्ट है, सिर्फ इसमें टेस्ट होगा। टेस्ट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैंने कवर नहीं किया, टेस्ट का फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं ऐसे। ये मैं PDF आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पे ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसका जो सिलेबस है वो बाद में नोटिफाई होगा,
ठीक है, CBD। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से है, ये दिया हुआ है कि टोटल MCQ होंगे वो 100 होंगे और 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और इस तरह से ये पेपर होगा। 35% स्कोर आना चाहिए मिनिमम। निगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की, ठीक है। तो ये निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। टेस्ट सेंटर आपको चूज करना ही है, पहले बता दिए गए। इसके बाद ई एडमिट कार्ड आएगा, वो भी ऑनलाइन ही आएगा, घर पे नहीं भेजेंगे। आंसर की इसकी पब्लिश करेंगे, और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो वो आंसर में अगर कोई दिक्कत है तो ₹50 प्लस GST लगेगा उसको चेक करवाने का या सही करवाने का, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम के बारे में भी बता दिया है इन्होंने। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल lin.k फार्मा को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और वीडियो पे कमेंट करें और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में बेल आइकन जो यहाँ पे दिख रहा है बेल आइकन पे हिट कर दें, जिससे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाक से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मैं इसी तरह की जॉब रेगुलर डालता रहता हूँ, जॉब की वीडियो डालता हूँ, इंफॉर्मेशन की वीडियो डालता हूँ फार्मा से रिलेटेड। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी फार्मेसी। Thank you.